बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? ये आदमी बनाने जा रही हूँ चिकन स्टू, तो आपके साथ आज मैं चिकन स्टू बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, आधा किलो चिकन लिया है जिसे मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने का तरीका तो मैं आपको अपने चैनल पर डाल दूंगी, बट वॉश करना तो बहुत आसान होता है चिकन को। तो मैंने ये 500 ग्राम चिकन लिया है और इसके इस तरह से ऐसे पीसेस कर लिए हैं। ये जो पीसेस आप देख रहे हैं ये ऐसे पीसेस कर लिए हैं, इतने बड़े बड़े पीसेस कर लिए। और मैंने बोनलेस का भी बना सकते हैं और विथ बोन भी बना सकते हैं, तो मैं फिलहाल बोन वाला बना रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने आधा किलो चिकन लिया है, तो मीडियम साइज के प्याज, चार प्याज जो हैं चॉप कर लिए हैं ऐसे, इस तरह से 4 स्लाइस में काट के इस तरह से चॉप करना है। तो 4 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, ऑनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 चम्मच लूंगी। इसमें मैंने आधी कटोरी दही लिया है और इसके लिए मैंने 1/4 चम्मच हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने कूटी हुई मिर्च ली है, 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है जो मैंने होममेड इस्तेमाल करती हूँ, मेरा अपना बनाया हुआ। और मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, आप साल्ट सॉल्ट ले सकती हैं, मैंने भी नमक जो है अभी इसमें 1/2 चम्मच लिया है। ये मैंने 3 बेलीव्स लिए हैं, तेज पात जो के पत्ते जो छोटे साइज के मीडियम साइज के हैं, ये 2 मैंने दालचीनी ली है, 2 मैंने लौंग ली है, और जो है 2 मैंने हरी इलायची ली है, और ये 4 से 5 छोटे साइज की मैंने सूखी जो साबुत लाल मिर्च आती है वो ली है। तो हम इसमें सबसे पहले बे लीव्स डाल देंगे, मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। मैंने सबसे पहले इसमें बे लीव्स डाल दिए हैं, और ये जो तीनों चीज़ें हमने ली थी, लौंग, दालचीनी और कार्डमोम ग्रीन, ये हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें प्याज डाल के ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमने डाल दिया है, अब ये प्याज हम ब्राउन होने तक इसमें तलेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक के हमें हल्की ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, डार्क ब्राउन हमें हल्का, इसको प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक के तलना है। फ्रेंड्स देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन होने लगी है, बस हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, चिकन हम इसमें डाल के ही अच्छे से भूनेंगे। चिकन हमने इसमें डाल दिया है, चिकन को हम अच्छा थोड़ा ब्राउन होने तक के भूनेंगे ताकि इसका पानी भी वो हो जाए, सूख जाए और निकल जाए और अच्छा ब्राउन हो जाए। ये हम बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी, एकदम दिलचस्प, बहुत ही अच्छा इसको बनाने जा रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप पूरा वीडियो देखें और ज़रूर ट्राई करें। जब तक चिकन ब्राउन हो रहा है, इसमें मैंने जब तक कि मैंने ये धनिया पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने धनिया पाउडर जो है, ये इसको धनिया जो हमारे साबुत धनिया आता है कोरिएंडर, तो उसको जो है हमने, मैंने इसको क्रश किया है। तो इसको हमें पाउडर, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमें बस क्रश कर लेना है, बारीक क्रश करना है, लेकिन कि थोड़ा थोड़ा सा मोटा कि मुँह में ना आए खाने में, लेकिन इसका फ्लेवर जो आएगा वो उससे एकदम अलग जायका आएगा। कि आप जब ट्राई करेंगे आपको देखेंगे कि इसका जायका कैसा आता है। हम धनिया, बहुत से लोग धनिया पाउडर भी डालते हैं, हम नहीं डालते हैं क्योंकि इससे जो एक अलग फ्लेवर आता है। तो ये मैंने धनिया पाउडर क्रश किया है, आपको दिख रहा है चिकन ब्राउन होने लगा है हमारा। मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हमने 2 चम्मच लिया था, मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने रखी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं मिक्स यूज करती हूँ, 1 चम्मच का अदरक, 1 चम्मच लहसुन, और ये हमारा ज़्यादा ऑयल में भी मैं नहीं बना रही हूँ, ये हमारी जो दिखी कम ऑयल में वो ज़बरदस्त तैयार होगी। बहुत से लोगों की ये भी वो होती है जो ऑयल कम खाते हैं, और सही है, ऑयल ज़्यादा खाना सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता, लेकिन नॉनवेज जिसे बगैर ऑयल से ज़्यादा, कम ऑयल में ज़्यादा अच्छी, लेकिन ये भी हमारी जो है कम ऑयल में भी तैयार हो जाती है और हेल्दी डिश होती है, बहुत जायकेदार होती है चिकन स्टू।
ये मैंने 3 मिनट लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 3 मिनट तक भूना है, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो कच्ची ना आए और ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये जो कोरिएंडर पाउडर मैंने जो तैयार किया था ये ऐड करेंगे, और ये जो मैंने कुटी वाली लाल मिर्च सूखी और हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक जो मैंने लिया था, ये सब हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू चल रही है, बहुत अच्छी महक, पूरा मेरा घर महक रहा है। तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने 2 मिनट तक से भून लिया है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ज़बरदस्त बन रहा है इसको। हम इसमें टमाटर, बहुत से लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, बट हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि टमाटर ऐड करने के बाद में कढ़ाई चिकन और स्टू में फर्क ख़त्म हो जाता है, दोनों चीज़ें अच्छी ही लगने लगती हैं। इसलिए हम इसमें सिर्फ दही का फ्लेवर देते हैं, टमाटर हम इसमें नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि स्टू में टमाटर देने के बाद में कढ़ाई चिकन में और स्टू में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये दही हमने इसमें अच्छी तरह से डालकर हम इसको कम से कम 5 मिनट भून लेंगे। मैंने 5 मिनट भून लिया है दही डालने के बाद। अब ये हम इसमें लाल मिर्च, जो हमने सूखी लाल मिर्च साबुत वाली मिर्च थी, हम इसमें इसको डाल देंगे। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक चिकन भी गल जाएगा, और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। फिर मैं आपको तैयार होने वाला है। अभी मैं चेक करती हूँ, अभी चिकन होगा, अभी हम इसको 5 मिनट तक, कम से कम 5 से 7 मिनट हमें और इसको भूनना है, और इसको हमें थोड़ा सा पानी और, देखिए जो पानी हमने ऐड किया था वो पानी इसका भून चुका है पानी, इसमें आप देखिए खुश्क हो चुका है इसका पानी। हम इसमें थोड़ा सा पानी, आधे गिलास से थोड़ा कम पानी और ऐड कर देंगे। और हमें इसे फिर कवर कर देंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भून के बोटियों में खूब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और बोटियाँ हमारी खूब टेस्टी बन जाएंगी। और इसका ये जो प्याज और ये नज़र आ रहा है, स्टू में नज़र थोड़ा सा आने अच्छा लगता है खाने में स्टू में। और जो है स्टू की प्याज, बस एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, जिस तरह से हमने करी थी उतनी कि हल्की हल्की ब्राउन से नज़र आने लगे, बस थोड़ी सी एक भी सान लगे उसमें, और उसे कवर इसमें हमें हमारा स्टू बहुत अच्छी खुशबू के साथ, बहुत अच्छी महक के साथ ये हमारा स्टू तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू तो आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन इसकी जो नज़र आ रहा है उससे आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। डालेंगे हरा धनिया, कोरिएंडर लीफ, इसमें ऐड करेंगे और इसे हम प्लेट आउट करेंगे। प्लेट आउट करके बता दिखाती हूँ। क्या है इसमें, हम थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। और देखिए ये मैंने प्लेट आउट कर दिया, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लुक इसका वो आ रहा है, और इतनी ही अच्छी इसकी खुशबू है। आप बनाइए, खाइए, खिलाइए, और हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट करके कि कैसा बना, कैसा लगा आपको फ्रेंड्स। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल शान ए जायका को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी हिम्मत अफजाई करें, और ज़रूर लाइक करें। ठीक है, जब तक कि अगले वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।